नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय केटी कोल्ड स्टोरेज फरुखाबाद में, और ये हमारे साथ हैं संतोष जी, यहां के कमीशन एजेंट। अपना क्या नाम है भैया? राकेश जी हैं। और तो क्या इस टाइम पे हाल चाल है फरुखाबाद में, आलू का बाजार कैसा, क्या चल रहा है, बाजार खरीदी क्या है? 9.5 से 10.5 के बाजार हैं। 950 रुपए से लेके 1050 रुपए। छट्टा? अच्छा, 1050 रुपए कुंतल। पैकेट सॉरी, पैकेट सुपर आलू। सुपर आलू 1050 रुपए। जो हल्के फुल्के हैं वो वाले, सेकंड क्वालिटी जो है 1000 के नीचे हैं, और थर्ड क्वालिटी 800 के रेंज में। अच्छा, 8 साढ़े 8 जैसे भी हैं। और ये है विद गोल्ड वाले के रेट? विद गोल्ड वाले के, गोल्ड वाला देना पड़ेगा किसान को। हाँ, तो हल्के वाले मतलब 800 साढ़े 800 की रेंज में। हाँ, और जो ठीक ठाक आलू है वो 1000 रुपए की रेंज में। हाँ, मतलब 950 से 1000, 950 से 1000। ज्यादा सुपर वाले 1050 तक, और जो बढ़िया आलू है वो 1050 तक। जैसे यहाँ पे एक आलू पड़ा है इधर, यहाँ पे बड़ा में, ये बड़ा बढ़िया आलू है, एकदम बढ़िया है, चमकदार है एकदम। ये शायद 1051 बिका है। अच्छा, मतलब ऐसे आलू के रेट 1000, मतलब सुपर से सुपर आलू के रेट है 1050 रुपया, 1051 रुपया पैकेट के। बिक्री कैसी है इस टाइम पे? बिक्री तो ठीक है, बिक्री ठीक हो रही है, खरीदार ठीक है, लेकिन किसान कम आ रहा है, बेच कम रहा है, किसान नहीं बेच रहा है, मौसम देख रहा है किसान। अच्छा, बारिश तो अपने यहाँ हुई नहीं अभी, जो यहाँ पे होने वाली थी बारिश, बादल तो 2-3 दिन लगातार रहे, उम्मीद लगा, और लेकिन बारिश कोई मतलब वैसी नहीं हुई, खाली हल्की सी कोई फुहार जैसी चलती रही, बहुत फुहार जैसी आई, कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश नहीं। लेकिन अभी मतलब 1-2 दिन और दिखा रहा है, दिखा रहा है, देखिए क्या होता है, और 1-2 दिन दिखा रहा है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी 2 दिन से तो वही फुहारी गिर रही है। अपने उधर कोई कायमगंज साइड में कोई अपडेट नहीं, ज्यादा बारिश की नहीं, ज्यादा कहीं नहीं। अच्छा, वही कमालगंज में बारिश है, कमालगंज में भी खाली बस ऐसा है, कहीं पे पानी बह गया, कहीं पे पानी नहीं बहा, बस इतना ही है, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, भाई इतना ही अंतर है, कहीं कहीं पे पानी मतलब बह गया था थोड़ा सा बस, और कहीं कहीं पे बस वो फुहार से बरसा धीरे धीरे तो पीता गया अंदर, तो बारिश कोई नहीं हुई है, तो बिक्री इस टाइम पे ठीक है। हाँ, ठीक है, और किसान बेचने कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। अच्छा, बीजा की निकासी कैसी हो रही है इस टाइम पे? बीजा की निकासी मौसम भी कम है, अभी आदमी वही मौसम देख के निकालना चाह रहा है, मौसम देख के निकालना चाहता है। वैसे अपने यहाँ तो वैसे गड़ाई का ये मतलब बढ़िया टाइम था, 25 सितंबर से अपने आप खूब गड़ाई होने लगती थी, अगेती वाली। हाँ, लेकिन इस बार कहीं नहीं हुई, नहीं नहीं भाई। हाँ, आपके उधर मंझना में सुकुंडापुर साइड में कुछ मेहनत गड़ी है, एक आध। हाँ, जैसे आपके उधर तो ये 25 तक सब गड़ जाता था, ये सुकुंडापुर मंझना गड़ जाता था, वहाँ 5% नहीं गड़ा, 5% नहीं गड़ा। हाँ भाई, मतलब सबसे आगे गड़ता था। हाँ, वहाँ पे इक्का दुक्का भी होगा, सबसे पहले मंझना में गड़ाई होती थी उधर, मंझना के आगे चले जूमा जूमी है। अच्छा, हाँ, लेकिन गड़ाई नहीं हुई इस बार। वो इस टाइम पे आदमी यही वाला मौसम देख रहा था। हाँ, कि ये जो मौसम यहाँ पे एक हफ्ता मौसम खराब बना जाते आलू के लिए, मौसम बहुत गर्म रहा, मौसम बहुत गर्म रहा, और यहाँ पे एक हफ्ता ये बारिश दिखा रहा, तो आदमी सोच रहा कि अब गार्ड नहीं जा रहे हैं तो एक हफ्ता ये देख ले। तो हाईलैंड वगैरह कैसे बिक रहे? यही 12-12.5 से लेके 1200 1271 रुपया कुंतल पैकेट, सॉरी पैकेट विद गोल्ड वाले के। तो हल्के वाले 1200 के आसपास, 1200 नीचे हो गया, 1181 बिके हैं। हाँ, मतलब ज्यादा निवल होगा तो, ज्यादा निवल होगा तो 1150 बिके तक का क्वालिटी। फोन बंद करो, जो नहीं तो ये माइक में रिकॉर्ड करेगा। फोन किसका बज रहा है, आपका ही बज रहा है या? तो हाईलैंड का बीजा 700-750 रुपये का। हाँ, हाईलैंड का बीजा क्या 700 पहले बिक गया, अब तो नहीं बिक रहा है। हाँ, 700-750। और इसका ख्याति पुखराज का बीजा तो लोग हमने कई लोग आपके पास ही भेजे हैं, और नहीं मिल तो वो लोग बता रहे हैं कि अरे मिल ही नहीं रहा। चेचक वाला है तो चेचक चेचक है भाई, थर्ड क्वालिटी मान लीजिए। पुखराज का बीजा खत्म हो गया है क्या? ख्याति बीजा है, हमने कई लोगों को आपके पास भेजा, हमने यहाँ पे 2-3 कोल्ड है तो यहाँ पे बीजा मिलता है ज्यादा, लेकिन बीजा सरकारी वाले गए तो बीजा पुखराज का मतलब ना के बराबर है, ना के बराबर है। ग्वालियर वाले दोबारा में ख्याति ले जा रहे हैं, ख्याति ले जा रहे हैं। अच्छा, ग्वालियर वाले जो ले गए तो उनका सड़ गया है, दोबारा आ गए। तो अब पुखराज मिल नहीं रहा तो अब ले रहे हैं ख्याति। अच्छा,
तो वो उनका लगा के सड़ा है कि घर में रखे रखे सड़ा लगा के? बरसात ज्यादा हुई, बरसात तो वहाँ पे बहुत तारीख से तीन से चार तारीख उन्होंने लगाया था, भयंकर बारिश हो गई 6-7 तारीख। अच्छा, तभी लोग दिख रहे हैं ये ग्वालियर वाले, काफी लोग उधर कोल्ड में भी मदर इंडिया में भी दिखे उधर की हैं वहाँ पे, तो ये मतलब ज्यादातर दोबारा आए हैं। अच्छा, ये 500-300 कट्टा ले गए तो वो 150 ले जाएंगे। अब वो तो ये है, बजट बिगड़ गया ना उनका, बजट बिगड़ गया उनका, वो उन्होंने अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही दिया था पूरा। अब ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, तो जब आदमी का एक बार चला जाता है तो दोबारा हिम्मत करना थोड़ी सी मतलब, और खरीदने के लिए लेने के लिए बीजा महंगा ही है, और का महंगा ही। तो क्या रेट मिल रहा है बीजा इसका, पुखराज का, ख्याति का? 6.5 से लेके 7.5 के बाजार है ख्याति के, ख्याति के। अब पुखराज मिल नहीं रहा है, ग्वालियर वालों ने लिया है 1800 का सूखा, सूखा 1800 रुपया कुंतल में, कुंतल में 1800 रुपया कुंतल सूखा, सूखा। अच्छा, उसमें खर्चा जो सुखाई फुकाई ये सब किसान को कर देना पड़ता है टोटल? हाँ, वो ग्रेडिंग करके लेते हैं, पैकेट में 700-800 रुपया पैकेट बिक रहा है ख्याति का ना? 6.5 से 7.5 6.5 से 7.5 किसान बेच रहा है, भाड़ा करता है। अच्छा अच्छा, और अपने यहाँ उसका लाल में कंचन मंजन का बीजा होगा नहीं? कुछ लाल कंचन होता है, कंचन बिका नहीं। अच्छा, बिका नहीं कोई कंचन? G4 वाले नहीं आए इस बार अभी? क्या नहीं आए? नहीं, G4 वाले नहीं आए कोई भी? G4 कहाँ आए, 15 अक्टूबर को आए। उधर इलाहाबाद की तरफ बारिश भी हो गई काफी, पूर्वांचल में बरसात ज्यादा है, उधर अभी वाली बरसात हो गई है, जो अपने यहाँ नहीं हुई है वहाँ पे बरसात हो गई है, इलाहाबाद की तरफ काफी बरसात हो गई है, तो इस वजह से भी वो लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आए अभी। और चिप्सोना वगैरह का रेट कैसे चल रहा है? 11.5 से 12 है लो, 11.5 से 12 तो शायद नहीं, 11,500 मानो ना, भारत में बता रहे थे विकास कि हमने आज एक लाट बेची है वो 1161 रुपए कुछ बता रहे थे। हाँ, तो यही बाजार ठीक ठाक आलू था तो मतलब बाजार 11-11.5 हुआ ना। हाँ हाँ, कि मतलब ठीक ठाक, खराब भी नहीं कह सकते और कि बहुत सुपर भी नहीं था, तो एवरेज क्वालिटी था, चिप्सोना की डिमांड ही कम है। अच्छा, हाँ, तो 1161 का बता रहे थे, यही बाजार है 11-11.5, कोई स्ट्रेस हो रहा है तो 10-5 ऊपर नीचे। अच्छा, 37-97 वगैरह 1100 रुपए के आसपास, 1100 रुपए। शुगर फ्री या विदाउट शुगर फ्री? दोनों के रेट एक ही रेट है। अच्छा, सादा में भी एक ही रेट है, एक ही रेट है। शुगर फ्री भाई, तो शुगर फ्री वाले रेट में कुछ 10-20-50 रुपए का डिफरेंस रहता था, रहता था, लेकिन इस साल नहीं है। अच्छा, इस बार गढ़ाई में 37-97 डिमांड ज्यादा है, 37-97 गढ़ाई के लिए इस बार लोग ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा इच्छुक है 37-97 के। तो 37-97 के रेट 1100 रुपया पैकेट, 100 बढ़िया सुपर। अच्छा, तो अपने यहाँ आलू जो है कितने दिन लेट हो गया, जो ये अभी तक जो बारिश की वजह से लोगों ने नहीं गढ़ाया, पहले मौका नहीं मिला? 15 दिन को मान के चलो, 10 से 15 दिन, कम से कम 15 दिन, नहीं 15 दिन, ज्यादा नहीं 20 दिन, नहीं 15 दिन, 15 दिन तो अभी के हिसाब से, अभी अभी 2 दिन मौसम और खराब है, अगर इसमें कुछ हो गया तो आगे तो क्या है। हाँ भाई, तो अभी कुछ हो गया तो नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, फिर तो वही करेगा, वो घर में धनी आएगा क्या फायदा नहीं, लेकिन जब खेत जुत पाएगा तब तो गुड़ पाएगा कि आप जो कच्ची वाले सब खेत जुते हैं, अभी ये 2 दिन खुल जाए तो जुत जाएंगे खेत, क्योंकि अभी अपने यहाँ बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब 15 दिन लेट हो गया है, 15 दिन ये कोल्ड वाले आलू के लिए बेनिफिट हो गया, हो गया, निकल जाएगा इज्जत, निकल जाएगा इज्जत, निकल जाएगा, लोग डर रहे थे थोड़े से, फस जाता भाई, फस जाता, हाँ लोग डर रहे थे कि शायद कहीं ऐसा ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लग रही, ऐसा तो दिखा नहीं रहा कोई, फिर अभी क्या हो, अभी जैसे ग्वालियर वाले दोबारा आए तो ऐसे दोबारा कोई और आ गया तो फिर तो नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी समस्या नुकसान नहीं हुआ आलू का, अपने यहाँ गढ़ाई नहीं ना, कहीं गढ़ाई नहीं पाई, नुकसान नहीं हो गया, अपने यहाँ कहीं गढ़ाई नहीं है, ऐसे ही कोई एक आध कहीं, हाँ एक आध कोई गढ़ा तो उससे क्या है, जैसे आपके गाँव में ज्यादा, हाँ वो भी सिर्फ एक सिंगल आदमी ने गाड़ा था, सिंगल आदमी, और अभी जो बीच में मौसम खुला रहा इसमें 1-2 लोग ने और गाड़ा है सिर्फ, वो भी ऐसे ही 2-4 बीघा, मतलब एक लोग का कुछ 3 बीघा गए थे, ऐसे 2-4 बीघा किसी और का होगा, जो कुछ गड़ गया वो गया, और तिरबा में भी बहुत ज्यादा गढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो ले गए थे लोग गाढ़ा है कुछ लोगों ने, अभी हम जाएंगे 2-1 दिन में तिरबा, देखो शायद मंडे को जाएं तो मंडे उधर देखेंगे कैसी क्या गढ़ाई है, तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।